इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो है वो नीचे नहीं आ रहा, ऐसी सूरत में उसे कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पोन रैकेट पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा ने हॉटशॉट नाम से एक ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में राज कुंद्रा के साथ प्रदीप बख्शी भी शामिल था, जो लंदन में पोन फिल्मों के रैकेट का काम देखता था। इस ग्रुप की चैट से खुलासा हुआ है और दोनों एक वीडियो क्लिप की लाइव स्ट्रीमिंग और से होने वाली कमाई की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होनी है। राज कुंद्रा पर मुंबई में पोन फिल्में शूट करके उसे विदेश भेजने का आरोप है। पुलिस ने राज कुंद्रा के साथ एक शख्स रायन जॉन को भी नवी मुंबई से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता है, मुख्य आरोपी है। तो आज ही राज कुंद्रा की अदालत के सामने पेशी होनी है। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है जो राज कुंद्रा की डर्टी गेम की परतें खोल रहा है। राज कुंद्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें राज कुंद्रा ग्रुप का एडमिन था। इसके अलावा इसमें प्रदीप बख्शी भी था जो कैंड्रिन का मालिक है। मेघा अकाउंट्स हेड, रॉब डिजिटल मार्केटिंग हेड, ये तमाम लोग इसमें इस ग्रुप में है। आप देखिए, राज कुंद्रा इस ग्रुप का एडमिन है, प्रदीप बख्शी इसमें है, मेघा है जो अकाउंट्स हेड है, रॉब है ये डिजिटल मार्केटिंग का हेड है, और रॉय इवांस ये कंटेंट हेड है। तो आज राज कुंद्रा की पेशी होनी है अदालत में। राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपी ऑफिस से। राजेश, कितने बजे ये पेशी होनी है? देखिए, किसी भी वक्त राज कुंद्रा को यहाँ से निकाला जा सकता है। इस वक्त मैं कमिश्नर ऑफिस में ही मौजूद हूँ और यहीं पर राज कुंद्रा को रखा गया है। और देखिए, गाड़ियाँ लग चुकी हैं। किसी वक्त राज कुंद्रा को यहाँ से निकाल कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में आज जब पुलिस रिमांड मांगेगी तो और साफ करेगी कि आखिर राज कुंद्रा के खिलाफ क्या सबूत उनको हाथ लगे हैं और क्या और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वो बातें रखकर कोर्ट में वो राज कुंद्रा के रिमांड की मांग करेंगे, और राज कुंद्रा के वकील जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो उनकी बेगुनाही की दलील देंगे कि क्यों नहीं राज कुंद्रा को रिमांड में भेजा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास पक्के सबूत हैं। जो चैट हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वो एक अहम सबूत है, जिसमें राज कुंद्रा अकाउंट्स के बारे में रोजाना जानकारी ले रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आए हैं उसके बारे में रोजाना जानकारी ले रहे हैं, कितने पैसे कमाए जा रहे हैं वीडियोस से, कितने पैसे कमाए जा रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग से, ये सारी जानकारी राज कुंद्रा ही ले रहे हैं और उन्हीं को ये सारी जानकारी दी जा रही है। पुलिस का कहना है उनके पास अहम सबूत है कि पैसे जो हैं वो राज कुंद्रा के पास पहुंचते थे, 4 से 5 महीने इसी वजह से लग गए कि वो वेरीफाई करना चाहते थे कि राज कुंद्रा ही बेनिफिशियरी हैं इस पूरे गोरख धंधे के, उन्हीं के पास पैसे पहुंचे। जब पक्का हो गया तब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। तो थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी जिसमें पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी। राजेश, पुलिस के पास जो भी सबूत अभी तक है, क्या वो ये उम्मीद कर पा रही कि उनको रिमांड मिल जाएगी? बिल्कुल, पुलिस का साफ कहना है, पुलिस ने जो शब्द इस्तेमाल किया है हमें जानकारी देते वक्त, उन्होंने कहा है कि की कॉन्स्पिरेटर है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा है इस पूरे मामले के, यानी कि जो पूरा ये गोरख धंधा था मुंबई से लेके यूके से लेके गुजरात, इन सब जगहों पर जिस तरीके से वीडियोज बनाई जा रही थी, मुंबई में यूके में भेजा जा रहा था, वहां से अपलोड किया जा रहा था, इसके मुख्य साजिशकर्ता है। यही वजह पुलिस का कहना है कि उनके पास अहम सबूत है, पुख्ता सबूत है, और वो रिमांड हासिल करने में सफल रहेंगे। हुसैन, राजेश, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं, इस ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं, जो बातचीत हो रही है, इससे जुड़ी कुछ और डिटेल पुलिस ने आप शेयर की आप लोगों के साथ? देखिए, इस ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं उसमें सिर्फ राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी लोग जो हैं वो देश से बाहर हो, चाहे वो प्रदीप बख्शी हो या फिर रॉय हो या दूसरा अकाउंट हेड हो, ये सारे लोग देश से बाहर हैं। इनको कैसे देश में लाया जाएगा इसके बारे में पुलिस जो है वो कानूनी जानकारों से सलाह ले रही है कि इनकी गिरफ्तारी भी करनी है तो इन्हें देश में कैसे लाया जाए। लेकिन फिलहाल उस ग्रुप में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो पाई है। अगर मैं इस पूरे मामले की अगर बात करूं तो 11 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में हुई हैं। 2 गिरफ्तारियां कल राज कुंद्रा के साथ एक शख्स की और हुई, उससे पहले
9 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी के महीने में रेड किया था मालवनी इलाके के एक बंगले में, और वहां पर इस तरीके से पोर्न वीडियो बनाते हुए लाइव लोगों को पकड़ा था, रेड हैंड लोगों को पकड़ा था। उसके बाद 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस गहना। चलिए राजेश, जैसा कि बता रहे हैं कि इस वक्त राज कुंद्रा सीपी ऑफिस में है और उसे किसी भी वक्त ले जाकर के कोर्ट के सामने पेश करके कोर्ट से रिमांड हासिल करना चाहेगी पुलिस, और पुलिस ये दावा कर रही है कि उसके पास पूरे सबूत हैं जिसके बिना पर उसे रिमांड मिल जाएगी। राजेश, आप नजर बनाकर रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फौरन आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।